गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग थोड़ा क्लास को शेयर कर दीजिए कीजिए फास्ट सेशन को लाइक कीजिए और क्लास करते हैं स्टार्ट रेडी है सभी लोग क्लास के लिए क्लास को एक बार शेयर शेयर करना ना भूले क्लास को कौन कौन लोग कहाँ से जुड़ चुके हैं एक बार कमेंट कीजिए हजर कुमार गुड इवनिंग गुड इवनिंग कल जो है ना कि वाईफाई के केबल का दुर्दशा खराब था कहीं कट गया था बिजली के झटका लगने से यानी कि बिजली तार से तार के चपेट में आ गया था तो कल कोई भी क्लास नहीं चल पाया सुबह आया है दस दस नहीं ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे क्लास को शेयर कीजिए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं घबराइये नहीं सब लोग ठीक ठाक हैं कोई बोलते क्या नहीं है कुछ थोड़ा सा एक्टिव रहिए क्लास के लिए भाई साहब चलिए जितने भी आ गए हैं विद्यार्थीगण उतना ही में क्लास स्टार्ट किया जाए ठीक तो कोई बताएंगे कि पिछले क्लास में कितना नंबर प्रश्न हो चुका था सर आप कैसे हैं मैं ठीक हूं आवाज नहीं पहुंच रहा है क्या बोल तो रहे हैं मुनीब आप ही लोग तो नहीं बोल रहे हैं हम तो बोल ही रहे हैं आप लोग कहाँ पे हैं चलिए तो डियर पिछले क्लास में प्रश्न संख्या 135 तक हो चुका था टाइप वन का आज टाइप वन का अंत कर देंगे और चलेंगे टाइप टू पे ठीक ना और पिछले क्लास में कौन आदमी ऐसे वो बना करके भेजे थे शायद मुनि भी बना करके भेजे थे और क्लास न हो पाया इसीलिए हम उनको पुरस्कार नहीं भेज पाए और नहीं तो आज बताते आपको पिछले क्लास का बिनर शायद आप ही तो है मुनीब आप ही तो थे लेकिन हम सही से देखे नहीं है तो आज आज का बिनर और कल का जो पिछले क्लास का विनर होंगे वो वो दोनों को हम कल पुरस्कृत कर देंगे और दोनों अपना अपना एड्रेस भेज दीजिएगा ताकि हम क्लास कराने से पहले स्क्रीनशॉट लगा ले ठीक है तो आज का विनर और कल का विनर दोनों का विनर का कल पुरस्कृत करेंगे और फिर परसों फिर कल का विनर का फिर परसों पुरस्कृत करेंगे तो तक हो चुका था 135 में यह प्रश्न था और लिखा गया था इनमें से किस संख्या को निम्नलिखित व्यंजक में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी एक तीन चार आ सात ग्यारह ग्यारह नौ बीस ग्यारह इकतीस तेरह चवालीस चवालीस का एक पूर्ण वर्ग है कि नहीं है तो चवालीस पूर्ण वर्ग नहीं है हाँ मुनि ही है तो चवालीस और पांच जोड़ देंगे तब उनचास होगा और उन एक पूर्ण वर्ग है पूर्ण वर्ग वह जो रूट एनर से बाहर निकल जाए परफेक्ट तो करेक्ट आंसर दो था ठीक ना और अगला प्रश्न स्टार्ट होता है यहां से आज का सवाल 136 से क्या 136 नंबर प्रश्न आप बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे बोलिए दो संख्याओं का योगफल 20 है और उनका अंतर 2.5 है इन संख्याओं का अनुपात बताना है कर पाएंगे क्या राजेश मुजफ्फरपुर से देखिए दो संख्याओं का योगफल 20 है अंतर दो दशमलव पांच है संख्याओं का अनुपात तो सबको पता है दो संख्या अगर x प्लस वाई लेते हैं तो इसका योग 20 है इसका अंतर की बात करें तो इसका अंतर 2.5 है x का मान आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं प्लस और प्लस तो प्लस 20 और अढ़ाई जोड़ेंगे तो साढ़े बाईस साढ़े बाईस का हाफ कर देंगे ना तो बाईस दशमलव पांच का हाफ योग का मान वाई का मान निकालिएगा तो प्लस माइनस माइनस यानी घटाना पड़ेगा बीस में से दो घटाएंगे अठारह उसमें से भी जीरो पॉइंट फाइव तो सत्रह दशमलव पांच का आधा और बताना है कि ये दोनों का अनुपात यानी कि बाईस दशमलव पांच बटे दो रेशियो सत्रह दशमलव पांच बटे दो अब रेशियो निकालना आसान है दो से दो कैंसिल दोनों में दो है दशमलव इसमें भी है तो ये भी कैंसिल और भी कैंसिल बाईस पच्चीस 25 नाम पच्चीस सत्य नौ अनुपात सात काटने कोटने के बाद करेक्ट आंसर ऑप्शन थी कर लीजिएगा कि नहीं होगा परीक्षा होगा धैर्य परीक्षा तो आज निकल हो गए बना लीजिएगा कोई दिक्कत तो नहीं एक सौ एक का मान निकालना है अनुपात निकाल देना नेक्स्ट एक सौ प्रश्न संख्या एक में क्या दिया गया है बहत्तर में कितने एक तिहाई होंगे बहत्तर में कितने एक तिहाई होंगे तो बहत्तर का अगर हम एक तिहाई निकाले बहत्तर का एक तिहाई तो चौबीस आता है तो करेक्ट आंसर बोले तो ऑप्शन दो कर लीजिएगा इस सब प्रश्न अगला प्रश्न इतना थेथर बना देंगे आपको प्रश्न कराते कराते इतना थे बना देंगे कि नंबर सिस्टम का प्रश्न तो आपको देखकर डरेगा कि हम किसके हाथ में आ गए हैं दो संख्याओं का योग पचहत्तर है और उनके वर्गों का अंतर तीन सौ है दो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए प्रश्न में दिया गया है दोनों का योग यानी कि एक्स प्लस वाई ये सेवेंटी फाइव है वर्गों का अंतर बोले तो एक्स स्क्वायर माइनस ये दिया गया है थ्री हंड्रेड सबको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और इन टू में होता है ए माइनस बी और ये थ्री हंड्रेड है और यहां से एक्स प्लस पचहत्तर लिख सकते हैं कोई मना नहीं करेगा क्योंकि यह दिया गया है बराबर थ्री हंड्रेड पचहत्तर के पारा में काटेंगे चार बारे में कटेगा मतलब इसका अंतर की बात करें तो चार तो कौन सा ऑप्शन में चार दिया गया है जरा देखे ऑप्शन चार में ही चार दिया गया है इसीलिए ऑप्शन चार करेक्ट कर लेंगे दीप सिखा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न अगला प्रश्न एक सौ उनचालीस एक सौ उनचालीस में क्या दिया गया तीन पंद्रह दो सौ अंठानवे में नौ और तीन के आंकिक मानों का अंतर सॉरी तीन पंद्रह दो सौ अंठानवे नहीं है बल्कि ये लिखा गया तीन लाख पंद्रह हजार दो सौ अंठानवे में तीन नौ और तीन के आंकिक मानों का अंतर तो नौ ये रहा तीन ये रहा आंकिक मान बोले तो के मान जस का तस हो जाता है नौ का नौ रह जाएगा तीन का तीन अंतर निकालना है तो नौ में छ अच्छा करेक्ट आंसर ऑप्शन दो कोई समस्या किसी को इस प्रश्न में आंकित मान का सेम टू सेम वही मान बन जाएगा कि नहीं ये प्रश्न अगला प्रश्न डेढ़ ये रहा आपके सामने प्रश्न में लिखा गया है 140 में दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 60 है उनके व्युत कर्मों का योग पर कितना बार बता चुके हैं ना कितना बार योगफल वाला को ऊपर मल्टीप्लाई वाला को नीचे ये 40 और ये 60 20 दूना चालीस बीस त्याई साठ करेक्ट आंसर बोले तो ऑप्शन दो कितना बार तो कर चुके हैं ये प्रश्न अगला प्रश्न सौ इकतालीस में ये प्रश्न आपके सामने है बनाइए इस प्रश्न को चंदन गुप्ता गए लेकिन बहुत दिन बाद आए हैं आप रहते कहा है आप इतना लेट आते हैं यह प्रश्न बना पाएंगे कोई मनोज जीरो पॉइंट फाइव टू सेवन और टू पॉइंट जीरो वन थ्री के गुणनफल में से कितना घटाने पर परिणाम एक प्राप्त होगा कितना घटाने पर तो सबसे पहला काम किसका मल्टीप्लाई करना होगा फिर मल्टीप्लाई फिर मल्टीप्लाई करके उसमें से क्या घटाएंगे तो एक प्राप्त होगा तो घटाना पड़ेगा तो ये जो प्रश्न है ना काफी लंबा चला जाएगा आप तो बेसिक्स ऐसे ही करेंगे ना आप तो ऐसे ही सोचेंगे कि 0.527 मल्टीप्लाई दो दशमलव जीरो वन थ्री ये मान लेते हैं कि x सात है सपोज और इसमें से कितना घटाने पर इसमें से कितना घटाने पर एक प्राप्त होगा तो वही x में से सपोज के y घटाने पर एक प्राप्त होगा तो फिर y का मान बताना पड़ेगा यही ना y का मान बताना है तो निकाल लीजिएगा लेकिन यह प्रश्न बनाने के लिए आपके पास जो सबसे बेस्ट मेथड रहेगा वो मेथड रहेगा डिजिटल मेथड डिजिटल मेथड में क्या होता है कि ये जो जीरो आराम से समझिए बहुत इजी प्रश्न है और, और ज्यादा इजी हो जाएगा ये जीरो पॉइंट फाइव टू सेवन इन टू यूज करेंगे डिजिटल मेथड का पांच आ दो सात सात आ सात चौदह चौदह को बोले तो पांच जोड़ के लिखना है दो एक तीन तीन छे तीस तीस को हम बोलते हैं तीन तो तीन में से दो घटाएंगे तो वह एक देगा मतलब दो जो है वह डिजिटल सम आना चाहिए उस ऑप्शन का तीन डिजिटल सम या तीन तीन में से दो घटाएंगे तभी तो एक आएगा मतलब उस ऑप्शन का डिजिटल सम दो होना चाहिए तो जोड़ लीजिए छठ आठ सोलह पांच एक ऐसा एक बाईस बाईस मतलब चार आपस में जोड़ देते हैं तो यह डिजिटल सम दो नहीं हुआ नवा तीन बारह ऐसे क्या करते हैं कि नौ को कैंसिल कर लीजिए तीन आठ ग्यारह पांच सोलह मतलब सात गलत हो गया छठ चौदह पांच उन्नीस एक बीस बीस का मतलब दो प्लस जीरो यानी कि दो और इसको जोड़िएगा तो नौ से नौ कैंसिल तीन एक चार आठ बारह बारह पांच सत्रह सत्रह मतलब आठ तो दो जो डिजिटल सम आएगा वह सिर्फ ऑप्शन सी का आएगा जो कि ऋषभ राज बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए थे हाँ कल से होगा कल कौन दिन है समझ गए बात कोई दिक्कत तो नहीं बन जाएगा डिजिटल सम के माध्यम से बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं ऐसे भी आप बना सकते हैं लेकिन काफी लेंदी हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर नेक्स्ट अगला प्रश्न 142 फोर्टी टू बनाइए इस प्रश्न को लिखा गया उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है कर लीजिएगा आप मल्टीप्लाई कर देते हैं मानते तो वन बाई एक्स होता आठ बटे कितना हो जाएगा दस ये जीरो से जीरो गायब आठ से आठ गायब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स का मान आ जाएगा कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर एक्स का मान आ जाएगा एक बटा सौ हो जाएगा कि नहीं बन पाएगा ये प्रश्न सही है ऑप्शन सी लेकिन आप लोगों ने एक काम कीजिए ऑप्शन लिख करके आंसर दीजिए सॉरी क्वेश्चन नंबर लिख करके क्वेश्चन हम नहीं लिखते में तो किसी का भी आंसर देंगे हो सकता है कि लगातार तीन प्रश्न का आंसर सी आए तो आप दीजिएगा एक का आंसर काम आ जाएगा तीनों में जो कि गलत बात है अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने दीजिए इसका जवाब प्रश्न में लिखा गया है तीस के तीन हजार आंश के तीन शतांश के तीन दशांश के तीन गुणे का मान बताइए इतना तो आप कर पाएंगे आज ये कर पाएंगे क्या आप मुस्कान यादव गुड इवनिंग ये प्रश्न बना पाएंगे या नहीं देखते हैं बनाइ थी इस प्रश्न को ये प्रश्न को आप कर पाएंगे कि नहीं सर साफ साफ फोटो नहीं आ रहा है तरीके साफ साफ फोटो नहीं आएगा आप थोड़ा सा क्वालिटी चेंज कर लीजिए आ तो रहा है साफ साफ नहीं नहीं दो दिन से क्लास चल रहा था प्रश्न देखिए कैसे बनेगा सो? तीस के तीन तीस के मतलब गुना या का मतलब गुना तीन हजारांश का मतलब हुआ तीन बटा एक हजार के तीन शतांशांश का मतलब सौ तीन सौ तीन बटा सौ तीन दशांश का मतलब तीन दस के तीन गुने का मान बताइए तीन बटा कुछ नहीं तो एक अब हल कीजिए हल जैसे ही करेंगे ये जीरो से ये जीरो गायब हो जाएगा यहाँ पे बचेगा तीन तिहाई नौ नौ सत्ताईस इक्यासी ति दो सौ तैतालीस और डिवाइड में हो जाएगा एक पर तीन दू पांच जीरो अब भाग दीजिएगा तो कितना रहेगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू फोर थ्री क्योंकि एक पे पांच जीरो है तो ऊपर में दशमलव के बाद पांच अंक को होना चाहिए तो पांच अंक किस में आएगा ऑप्शन दो में करेक्ट आंसर ऑप्शन दो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने देखिए इस प्रश्न को और बनाइए प्रश्न में क्या लिखा गया है दो सौ के तीन बटे पांच और तीन सौ के एक बटे दो का अंतर यह तो ईजी है दो सौ का तीन बटे पांच यानी कि पांच का बीस चालीस बोले तो एक सौ बीस दो से काट देंगे तो यह आ जाएगा डेढ़ सौ एक सौ बीस और डेढ़ सौ का अंतर बोले तो कितना आना चाहिए तीस आना चाहिए जो तो कि ऑप्शन चार में दिया गया कर लीजिएगा। देखिए शतांश दशांश हजारांश का मतलब होता है हजांश नहीं हजारांश तीस के मतलब गुना तीन हजारांश मतलब तीन का हजारवा अंश तो तीन बटे एक हजार के मतलब गुना तीन शतांश का मतलब सौवा भाग तीन बटा सौ दसांश का मतलब दसवा भाग तीन बटा दस ये तीन गुना तो तीन गुना कर दिए कैलकुलेशन कीजिए आंसर आपके सामने नेक्स्ट एक सौ पैंतालीस प्रश्न संख्या एक सौ पैंतालीस में क्या दिया गया है दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल फल नौ सौ बहत्तर है और उनका भागफल चार बटा तीन है संख्याएं याद कीजिए गुना करेंगे तो नौ सौ बहत्तर करेंगे तो चार बटा तीन तो इसको आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं कैसे ऐसा किसको हम लेंगे देखिए भागफल चार बटा तीन तो चार बटा तीन का मतलब हुआ कि पहला जो पहाड़ आना चाहिए वह चार के टेबल में आना चाहिए चार टेबल में कभी नहीं आएगा कभी नहीं आएगा चार टेबल में कभी नहीं आएगा यही आएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन दो डायरेक्ट काट कूट के चार बटा तीन आना चाहिए मतलब ऊपर वाला चार के पहाड़ा में आएगा तभी तो वह कटेगा काट दिए नहीं कटा तो आंसर मार दिया ऑप्शन दो समझ गए ऑप्शन सी गलत हो जाएगा दीपशिखा छब्बीस बटा छत्तीस करेंगे तो कभी भी चार बटा तीन नहीं आएगा इसलिए यह गलत हो जाएगा ओके अगला प्रश्न एक सौ छियालीस एक सौ छियालीस नंबर प्रश्न कौन कर पाएगा पांच पूर्णांक दो बटा तीन प्लस जीरो पॉइंट सेवन थ्री माइनस थ्री पॉइंट वन टू थ्री का मान बताइए ये कर पाएंगे आप या नहीं कर पाएंगे ये तो इजी सवाल है आप इसको ऐसे कर सकते हैं पांच दशमलव दो बटा तीन का मतलब सिक्स सिक्स होगा इसको सिक्स सिक्स लिख लीजिए प्लस जीरो पॉइंट सेवन थ्री माइनस थ्री पॉइंट वन टू थ्री अब इसको ऐसा कीजिए एक सिक्स और बढ़ा लेते हैं यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लेते हैं ये जोड़ वाला है तो उसको जोड़ लीजिए जोड़िएगा तो यह कितना जाएगा? जीरो छ तीन नौ छ सात तेरह हासिल एक पांच एक आ जाएगा और इतना में से थ्री पॉइंट वन टू थ्री आपको घटाना है दस में से तीन गया सात आठ में से दो गया तीन में से गया दो छह में से तीन गया तीन थ्री पॉइंट टू सिक्स सेवन तो थ्री पॉइंट टू सिक्स सेवन इसका मतलब हुआ कि थ्री पॉइंट टू सेवन करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग में कोई बात नहीं समझ गए क्या नहीं उम्मीद है समझ में आ जाना चाहिए तो आ जाना चाहिए यह जोर घटा वाला प्रश्न नेक्स्ट दीपशिखा ये प्रश्न बनाइए एक सौ क्या एक सौ नंबर प्रश्न बना पाएंगे दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग छ है यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या की दोगुनी से छ कम होती है तो संख्या ज्ञात कीजिए जब इसको उलटिएगा यह पंद्रह बनेगा मूल संख्या के दुगुना से छ तो नहीं होने वाला है चौबीस को उलटिएगा बयालीस आएगा चौबीस अड़तालीस से कम 42। ये इसका दुगुना कीजिएगा तो अड़तालीस अड़तालीस से छ माइनस कीजिएगा तो बयालीस यह सटिस्फाइड कर रहा है बात को पलटने पर ऑप्शन तीन सही जवाब हो जाएगा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा ज अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने एक सौ अड़तालीस जोर घटा वाला प्रश्न बना पाएंगे प्रश्न में दिया गया थ्री पॉइंट जीरो थ्री प्लस इकतीस दशमलव जीरो जीरो थ्री प्लस तेरह दशमलव तीन तीन प्लस तीन दशमलव तीन तीन एक इसको जोड़ के बताना है आसान है जोड़ना इकतीस दशमलव जीरो जीरो तीन तीन दशमलव जीरो तीन यहाँ पे जीरो दे दीजिए तेरह दशमलव तीन 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 दशमलव तीन, तीन तीन एक तीन तीन एक सात तीन 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 नौ तीन आ तीन सिक्स नाइन सेवन गलत हो गया क्या तीन तीन छ तीन नौ एक दस तीन चार एक पांच पचास दशमलव सिक्स नाइन सेवन सिक्स नाइन फोर सॉरी इकतीस दशमलव जीरो जीरो तीन तीन दशमलव जीरो थ्री जीरो तेरह दशमलव तीन तीन अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम जीरो ही देंगे तो ये चार बनेगा तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्स नाइन फोर ये ऑप्शन चार एक सौ अड़तालीस का डी अगला प्रश्न एक सौ उनचास एक सौ उनचास कौन बना पाएंगे इस प्रश्न को एक सौ उनचास बना पाएंगे कोई होगा या नहीं होगा सो बताइए हमको देखिए ये प्रश्न मन तो थाब्लू में देते हैं, लेकिन बना देते हैं लिखा गया है यहाँ पे सीधा लाइन पे ध्यान दीजिए इक्कीस दशमलव नौ आठ गुणे इक्कीस दशमलव नौ आठ पलस इक्स दशमलव नौ आठ और यहाँ पे एक्स है प्लस जीरो प्वाइंट जीरो फोर गुने जीरो प्वाइंट जीरो फोर ये एक पूर्ण वर्ग है पूर्ण वर्ग है तो एक्स का मान अब देखिए पूर्ण वर्ग होगा तभी जब यह ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे बैठेगा यहाँ पे आप सोचिए कि इसको यदि आप ए मान, A, A मान लेते हैं ए ए मान लेते हैं यह हो जाएगा ए स्क्वायर और इसको b मान लेते हैं आप तो b गुण बी यानी कि यह हो जाएगा बी स्क्वायर अंतिम में और प्लस में तो टू ए भी आना चाहिए तो टू ए का मान आया हुआ है और बी का मान नहीं आया है तो बी का मान जीरो पॉइंट फोर तो होना चाहिए ना ये इतना होना चाहिए तो ए दिया गया है तो ए को छोड़िए और ये दोनों बच गया तो मतलब बच गया है दो गुने जीरो पॉइंट फोर जीरो फोर मल्टीप्लाई करेंगे जीरो पॉइंट जीरो आठ तो बिल्कुल सही आंसर मुस्कान यादव दे रहे हैं का वो कौन आंसर सही इसका कोई पता नहीं चलता है सर होमवर्क वाला क्वेश्चन सोल्व कर दीजिएगा होमवर्क वाला क्वेश्चन कितना नंबर था क्वेश्चन कोई बता पाएंगे होमवर्क वाला जो क्वेश्चन है वो कितना नंबर क्वेश्चन था कोई बता पाएंगे क्या मुनीब है तो बता दीजिए तो हम होमवर्क वाला क्वेश्चन को सोल्यूशन कर लेते हैं 125 अच्छा बताते हैं प्रश्न में दिया गया है तीन सौ इकतीस गुने दो सौ छब्बीस बराबर इतना होता है तो तीन दशमलव तीन एक गुने जीरो पॉइंट टू टू सिक्स का मान कितना होगा ये तो बन जाना चाहिए लिखा गया है तीन सौ इकतीस गुने दो सौ छब्बीस बराबर चौहत्तर अस्सी छ और आपको बताना है तीन दशमलव तीन एक गुने जीरो पॉइंट टू टू सिक्स यही तो बताना है अब करते क्या है कि इसको दशमलव हटाइएगा तो तीन सौ इकतीस बटा में बोले तो दस सॉरी सौ ये दो सौ छब्बीस और बटा में बोले तो एक हजार इसका तो मान ऊपर मल्टीप्लाई करके आ गया है कितना आया है चौहत्तर अस्सी छ और डिवाइड में बोले तो एक पर पांच जीरो आ जाएगा अब डिवाइड कीजिएगा दो, दो चार एक पांच यानी कि दशमलव के बाद ये सब आ जाना चाहिए इतना तो आपको करने आता है करेक्ट आंसर बोले तो ऑप्शन चार बन जाएगा फॉर्म ये साल अंत होते होते इलेक्शन से पहले फॉर्म आ जाएगा अगला प्रश्न एक सौ इक्यावन नंबर कोई बता पाएंगे क्या बताइए जब तक आप एक सौ इक्यावन नंबर प्रश्न बताइएगा तब तक हम क्या करेंगे ना कि एक सौ पच्चीस नंबर प्रश्न जो में दिए थे उसको स्क्रीन पे ले आते हैं ほがほか、いつじゃんとほがにん。 हाँ सिविल कोर्ट का भी नोटिफिकेशन नहीं आया है नंद किशोर आएगा तो एग्जाम होगा घबराइए बिल्कुल नहीं अभी डेट नहीं निकला है सर अभी अफवाह में चल रहा है बात सही है चौबीस सौ गलत है ना भाई साहब गलती का है बोल रहे हैं एक सौ पच्चीस नंबर जो था बनाए थे ठीक ना अच्छा एग्जाम तो बिहार पुलिस का स्टार्ट है चौबीस तारीख से तो अभी तो एडमिट कार्ड शायद जारी नहीं हुआ है जारी होगा तो पता चल जाएगा आपका चौबीस का या चौबीस के बाद है एसडब्ल्यू का प्रश्न लाते हैं बता देते हैं तो फिर आप बोलिए कि सर बताए ना देखिए एसडब्ल्यू में जो प्रश्न दिए थे वह प्रश्न इस प्रकार से था प्रश्न था एसडब्ल्यू में प्रश्न था कि पी वह सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है कि पी से बड़े प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को दो भाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है तो पी है वह सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए कि पी से बड़े प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को दो भाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जाना चाहिए अगर मान लेते सपोज लेट पहला सही है ग्यारह तो एगारह के आगे जो बारह लिखिएगा बारह को आप सात प्लस पांच लिख सकते हैं पी वह सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए कि P से 12 जो धनात्मक पूर्णांक को हम लिखेंगे इनको कोई भी धनात्मक को P से बारह होना चाहिए उसको हम भाज्य संख्या के योग के रूप में लिख सकते हैं दो भाज्य संख्या ये दो भाज्य संख्या है क्या नहीं सात पांच बारह चाहे तो उसको आप आठ चार बारह भी लिख सकते हैं कोई शक नहीं बारह के बाद अगर तेरह आ जाएगा तो तेरह को आप सात नहीं सात आठ पांच तेरह आठ पांच तेरह दस और तीन भी लिख सकते हैं अगर आप छह लेते हैं चो, तो चो के बाद लिखेंगे सात सात को पांच दो लिख सकते हैं चार तीन लिख सकते हैं छ एक लिख सकते हैं लेकिन दो भाज्य संख्या तो नहीं है एक भाज्य है तो एक अभाज्य संख्या है ये तो गलत हो गया उसके बाद दस दस को लीजिएगा तो दस के आगे ग्यारह आता है ग्यारह को आप छह पांच आठ तीन ना नहीं लिख सकते हैं तीन लीजिएगा तीन के आगे चार आता है ना लिख सकते हैं तो यहां पे बताना है कि इनको दो भाज्य संख्या अभाज्य नहीं भाज्य संख्या तो सबसे छोटा लेना पड़ेगा तो ग्यारह ग्यारह के आगे जाएंगे तो बारह जिसको हम आठा चार लिख सकते हैं समझ गए तो ये जो प्रश्न था टाइप वन का ये टाइप वन 150 नंबर बता दिए एक सौ प्रश्न था बारह हजार दो सौ अट्ठासी संख्या के कितने गुणनखंड है तो ये भी हम आपको टाइप बता चुके हैं बनाने का करना क्या होता है इसका फैक्टर निकालिए दो के पारा में दो छह दो एक दो, दो चौकाट दो फिर दो के पारा में लगाइएगा दो तीस छीरो चार फिर दो के पहा में दो एक कम दो दस, दो पच दस द्वितिया छो छक बारह फिर दो के पहारा में लगाएगा दोस्तों चौदह दो छक बारह दो सोलह फिर दो के पहाड़ा में लगाएगा द्वितीय छोटे सोलह दो चौके आठ फिर दो के पहारा में लगाएगा दो कम दोन अठारह दो दुना चार और फिर दो के पहारा में लगाएगा दोनवा अठारह दो छक बारह फिर दो के पहारा में लगाइएगा अड़तालीस फिर दो के पहारा में लगाइएगा कितना चौबीस फिर दो के पहारा में लगाइए कितना बारह फिर दो के पारा में लगाइएगा छ फिर दो के पारा में तीन तो यहाँ पे दो का पावर कितना आया एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह दो का पावर बारह गुने तीन के पावर एक करना कुछ नहीं है पावर में एक जोड़िए पावर में एक जोड़िए और आपस में कर दीजिए गुना तेरह गुने दो तेरह गुना होता है छब्बीस फिर एक्ट आंसर हो जाएगा चार ठीक है अब टाइप टू स्टार्ट होता है तो आज के इस वीडियो में हम टाइप टू स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि टाइप टू स्टार्ट करने से कुछ थ्योरी आपको देना पड़ेगा और थ्योरी देने के बाद ही आप अधिक से अधिक प्रश्न को समझ पाएंगे तो अगर आज स्टार्ट कर देंगे तो यह भी दिक्कत है कि आप सभी को पता भी नहीं चलेगा कि नंबर सिस्टम में कौन सा टाइप वन का वीडियो है और कौन सा टाइप टू का वीडियो है तो इसके अंदर हम टाइप वन टाइप टू घसटना नहीं चाहते टाइप टू कल से स्टार्ट होगा दिक्कत नहीं ना बात समझ गए तो टाइप टू प्रश्न कल से नया वीडियो में ताकि थंबनेल पे लिखा जाएगा नंबर सिस्टम टाइप टू नंबर सिस्टम टाइप वन ताकि आपको किसी भी टाइम रिकॉर्डिंग वीडियो देखने में कहीं से भी आपको दिक्कत ना हो अगर आपके पास बुक रहेगा जो प्रश्न आपसे नहीं बनेगा उसका आप तुरंत वीडियो निकाल करके देख लीजिएगा ये प्रश्न कैसे बनेगा से ताकि वहां पे क्लियरली पता चल जाए तो टाइप टू कल स्टार्ट करेंगे आज के लिए इस क्लास में इतना ही फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में हाँ और आज का जो एच डब्ल्यू है एच डब्ल्यू को कल पुरस्कृत किया जाएगा विनर को एसडब्ल्यू विनर को कल तो आज का जो एच डब्ल्यू है वह एच डब्ल्यू ये रहा ये रहा आज का एच डब्ल्यू ठीक और जो भी विनर विन करेंगे विनर को होंगे उनको पुरस्कृत कल किया जाएगा ठीक मुनीब रहे चाहे कोई रहे मुनीब एक छूट गए हैं जिनको कल पुरस्कृत किया जाएगा पिछले प्रश्न के लिए पुरस्कार सबको पता है कितना मिलता है तो पुरस्कार पुरस्कार होता है और डेली पुरस्कार मिल है तो और बढ़िया बात है रुपीज इलेवन आंसर आपको देना है रबीन की पाठशाला आंसर देना है टेलीग्राम टेलीग्राम पर ठीक और आपको मिलेंगे रुपीज ग्यारह प्रतिदिन एच डब्ल्यू पुरस्कार प्रश्न देख लीजिए ले लीजिए क्लास समाप्त होने के दस से पंद्रह मिनट बाद इसका आंसर आप भेज दीजिएगा ठीक है और आप हो जाएंगे पुरस्कृत कल गुड नाइट मिलते नेक्स्ट क्लास में टैप टू कल से स्टार्ट होगा